देखो दमरी ते मौली दे रही तने ठीक हो खुश हो तो ठीक है जबरदस्त। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक, तबीयत से ठीक है अल्लाह जी। घी जो है ना आपका घी आवाजें दे रहा है गुड़िया। वो कहता है मेरे अंदर तो कुछ डालो। हाँ जी चोरी चोरी कॉल ड्रिंक माशाल्लाह। अभी जी ऊपर वाले पोर्शन पे आए हैं तो इधर आप ही फिजा ने जो है ना वो यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाना शुरू कर दी है और अब्बास भाई इधर खड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सफाई कर? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। करो करो सिमी महान हम दे पेन। मेहमान आ रहे हैं तो मैंने सबा को कहा कपड़ा लगा दो तो माशाल्लाह ये अगर थोड़ा सा गीला करके लगाती तो ये निशान मिट रहे हैं ना ऐसे। अच्छा ये ना बच्चे कभी कभी आ जाते हैं ना पैर वो मिट्टी होते हैं ना। साफ हो गया बस इतना सा। हाँ तो आपसे पहले की आई हुई थी मैं। अच्छा हाँ। चलो तेरी मर्जी ठीक है। वालो मेहमान जब आते हैं ना फिर वो कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है मैंगो वाला जूस पड़ा है जी। और सेब माशाल्लाह आबे जमजम खजूरें सब चीजें हैं। चलें फिर ठीक है तो फिर इंशाल्लाह जैसे आते हैं ना फिर मैं आपको मुझे बार बार बताना ना पड़े। हाँ सब चीजें जल्दी से कर लेना और फिर मैं ले जाऊंगा। ओके सोने सोने गिलास धो रखे माशाल्लाह। ऐसे ताजा काम करो ना सुबह तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ तो मैं सारा दिन बाजी थोड़ी यहाँ पे रहती है, सारा मैं खुद ही करती हूँ। फिर हाँ सुबह काम करके चले जाते हैं फिर बाद में हम खाते हैं पकाते हैं बनाते हैं ये मेहमान वगैरह ना जी। अगर ऐसे इकट्ठे करते जाओ तो सुबह तक तो काफी हो जाएंगे बेचारी वो भी तो थकी होती है ना। दो तीन घर करते हैं असलम भाई के घर करते हैं फिर हमारे घर करते हैं फिर अपने घर जाके करती है तो इसी जैसे जो मैं आप खुद जो है मतलब मैले करती हूँ बर्तन वगैरह मैं खुद ताजे धो देती हूँ चाहे वो खड़ी भी हो ना मैं ताजा धो देती हूँ। अच्छी बात है सब। हाँ। अच्छी बात है बस कर दो। अभी जी हम रेडी हो रहे हैं बल्कि रेडी हो ही रहे थे कि अचानक फोन आ गया मेहमान आ रहे हैं हमारे घर तो उनको इंशाल्लाह भुगता के ना उनसे मिलजुल के इंशाल्लाह ताला फिर हम अपनी अम्मी जान तो रेडी हो रही हैं अबू जान को भी कहा है सबा भी रेडी हो चुकी है तो फिर आज जाना है ना अपनी सिस्टरों की दावत पे। इसी वीडियो में अभी हम जाएंगे तो आप सबके साथ शेयर करते जाएंगे जैसे जैसे जाएंगे जाके वहाँ पे दावत खाएंगे। हाँ जी मैं बाकी तो रेडी हूँ कपड़े मैं चेंज करूँगी। अभी तो ड्रेस बाजी ने पता है क्या कहा है अगर आपने डेली सूट चेंज ना किया तो मैं कपड़े फेंक दूंगी आपके। हाँ कितनी अच्छी बात की है उसने। अच्छा वो फिर मेरे बारे में उसने क्या कहा? आपके बारे में कहा कि अहमद को दो भाई को के वो ना ये करे जो न्यू कपड़े हैं वो रख दे बाहर अंदर जब चाहे वो पहने फिर आप घर में जो पुराने पहना करो मुझे कहे आप न्यू पहना करो। चले जी ये भी मेरे खुशी के आंसू है जी। तो मर्दों के साथ हमेशा ऐसा होता है दिल दुखता है जब ये बातें निकलती हैं अपने ही घर से कि आप पुराने पहना करो हम न्यू पहनेंगे। चले नसीब की बात है सबा। नहीं अभी तो आपने न्यू पहना हुआ है ना जी। तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। सब जी कल पहनाया था पता है असल में वार याद नहीं आता ना दिमाग जो है ना अपनी जगह पे रखो आपको कल न्यू सूट मिला था याद करो। ओके जी ओके। आप सोए हुए थे क्या हसन? ये अब खाने गया था। दावत खाने गए थे अभी वापस आए हो? ओए हसन अभी वापस आए हो? ओए कैमरा कहते बंद करो हर टाइम कैमरा उठाया हुआ है। ओए ओए पीछे पीछे हो इधर बैठे रहो। इतना मीठा है क्या बताऊं। पीछे हो पीछे हो पीछे हो इधर नहीं आना इधर नहीं आना पीछे हो चक पा दो इधर। अच्छा अहमद मजे की बात बताओ इसके दो दांत आए हुए हैं ऊपर से
वो कहता नहीं दांत आए हुए हैं, कहता नहीं आए हुए। आप ऐसे करते हो ही, कहते नहीं चक पहना। अच्छा अच्छा, इसके दांत हैं छोटे छोटे दो निकले। चलो चक पहनो, ये देखो ये है। हाँ अब पुरानी चीजें खाओगे? हाँ कहते हैं हाँ। माशाल्लाह जी, अम्मी जान रेडी हो चुकी हो आप दावत खाने के लिए? दांत खिला लिए? सही है। और अब्बू जान भी माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, और चाचू भी साथ जाएंगे इंशाल्लाह दावत खाने के लिए। गोश्त खाएंगे गोश्त। और चाचू जान जाना मुझे भी बोल रहे हैं कि बातें करते जाएंगे अच्छा लगेगा, आप भी साथ चलो। तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या जवाब। अच्छा तो आप ना आप जवाब दे दो, जवाब ही देना है ना, तो जवाब दे दो। मतलब मैं नहीं चाहता ना, फिर बुजुर्ग बंदे बोल रहे हैं इनकार करूंगा। वो खुद बुजुर्ग, वो कहता है आपकी दावत है मुझे क्यों लेके जा रहे हो, तो वो फिर आपको कैसे बोलेगा यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फिर इसलिए तो आप बीमार हो जाती हो। क्या अभी घंटा पहले आया, आपकी हालत नहीं थी, देखने वाली हालत नहीं थी, इतनी आप माशाल्लाह तड़प रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सेहत याब हुई हैं। इंजेक्शन लगाए हैं ना? थोड़ी सी संभलिए, फिर आगे कपड़े धोने। इसी वजह से बच्चों के यूनिफॉर्म है ना, फिर टीचर मारते हैं, मुझे तकलीफ होती है जब बच्चे गंदे हो गए। तो सवेरा को कहो ना, वो धो दे, धोगे ना देगी मशीन। कहा था मशीन, उनको कहा था कि लगा दो, वो भी बच्ची है ना। हाँ तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो मैंने कहा चलो पता कर रहा हूँ दोबारा से। उस टाइम तो तुझे होश नहीं था ना, उस टाइम तो आप। शुक्रिया आपका। हाँ जी। हाँ भी नूरुद्दीन, कहाँ से आ रहे हो बेटा? ट्यूशन पढ़ आए हो? और आप भी बख्तावर? हाँ जी। और आप भी हाजरा? और आप भी जैनब? हाँ जी। सारों के नाम यही है ना जो मैंने पुकारे हैं? हाँ जी। कहीं भूल तो नहीं गया ना? नहीं। इस्लामुद्दीन? अच्छा, उसके बाद हैदर अली भी आ रहा है? चलें ठीक है, जाओ जाओ बेटा जाओ। आमीन। माशाल्लाह जी, अम्मी जान फिर से रेडी हो गई हैं, और मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह अभी होके चले गए हैं जैसा आपने देखा, और अब्बू जान तो माशाल्लाह हो गए तैयारी माशाल्लाह जी। हाँ चाचू जान चले? चाचा हाली सुता लाते सी, चाचा हूँ उठे सूं वाला जल सूं मैं। हाँ भाई दावत खाने चले? ये तो पहले कह रहा है नहीं, दावत खाने चले? नहीं बस। बेबो रेडी हो रहे हो? कौन से कपड़े पहन रहे हो? ये वाले? जल्दी से हो जाओ बेटा रेडी फिर। हाय 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 हाय, तेरी तैयारी अल्लाह करे तैयारी आज हो जाए। सब सर आप बताओ कितने काम किया मैंने? काम तो माशाल्लाह आज जो किया ना दिल खुश हो गया, यकीन मानो सब माशाल्लाह मेहमान हैप्पी। मैं उधर बैठा रहा ना, और आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मौज़म अली खान आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ना ऐसे चलता रहा, बोतल ले आया, जूस ले आया, सेब ले आया, जमजम आबे जमजम का पानी माशाल्लाह, अजवा खजूर ऐसे। तो मैं चुप करके मेहमानों के साथ बैठा रहा, ये सबा आपको सामान बना बना कर देती गई, माशाल्लाह आप लेके आते रहे, बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो है ना आप रेडी हो जाओ, मैं आपको 20 मिनट का टाइम देता हूँ, नहीं सॉरी 10 मिनट का, 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाओगी ना रेडी? मैं रेडी हूँ बस, थोड़ी सी लिपस्टिक बस। ड्रेसिंग चेंज करनी है? नहीं बस साफ खड़ा है माशाल्लाह, जो साफ हो तो नहीं करना, अगर साफ ना तो फिर करना है। अच्छा जल्दी रेडी हो जा। हाँ सही हो गया। माशाल्लाह रेडी हो गए हो, कहाँ जाना है? दावत पे। किसके घर? फुफ्फो के घर। माशाल्लाह चलें जी बंद, चलें जी अभी जो है ना ये वाला भी बंद।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सबा, वो तो बहुत प्यारी लग रही हो, वो मेन गेट की चाबी किधर है आपको पता है? सर अलमारी में पड़ी थी, उसके बाद फिर पता चला। अच्छा भाई, और लोगों को पता होगा क्योंकि चाबी इनके पास थी ना गेट उस दिन जब हम आए, तो इन्होंने खोला था, इनसे पूछे कहाँ। अच्छा अम्मी जान, आपको पता है चाबियों का? भाई आपको चाबियां दे के गए थे मेन गेट की? घर है। अच्छा चलो मैं चाबी फिर ले आता हूँ, क्योंकि ताला लगाएंगे ना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी, अबू जान और चाचा जान जो है ना वो दोनों आ रहे हैं। आवन्यो आवन्यो मार्का, माशाल्लाह। क्या करना है? गाड़ी में बैठना है। गाड़ी में क्या सवार कर बैठना है? हाँ पैदल चलेंगे। नहीं मगर दावत पे जाना है ना। हाँ जी, वैसे पैदल भी चले तो सफर तो नहीं है इतना, लेकिन ये बच्चे थका देंगे ना उठा उठा के। हाँ इसलिए जो है ना सफर में नहीं हो, आसन साथ उठाओ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। वो देखे हसन उठा खड़ा है सोने, आजा सबा। हम कैसी लग रहे हैं? माशाल्लाह अल्लाह पाक नजरे बात से बचाए, तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। हसन भी प्यारा लग रहा है ना है? हसन आप प्यारे लग रहे हो, आप प्यारे लग रहे हो। मुझे नहीं लग रहे, नहीं ज्यादा लग रहे हो। वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो कहते हैं अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए ना। वो कहते हैं मैं अपनी तारीफ क्यों खुद करूँ कि मैं प्यारा लग रहा हूँ। समझदार है बिल्कुल अपनी मामा की। हाँ जी चलें जी, अभी जो है ना बाहर गाड़ी ओके है जी, अभी जो है दरवाजे को लगा देता हूँ मैं लॉक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी चाचू जान जो है वो आगे बैठ रहे हैं, अबू जान जो है पीछे, फिर अम्मी जान सबा के साथ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी चलें जी, ये हो गया बंद, बैठो चाचू जान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी, ये भी बंद। ठीक है अकरम भाई, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी भाई के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना और सफर मेरा खैर खुशी से हो तो। ओके ओके जी। हाँ जी लगा दो। तो स्टार्ट कर देता है, कोई सजा दे रहे हो क्या? क्या हुआ सबा? गर्मी इतनी है अंदर। अच्छा चलो ये लो फिर, अभी गर्मी में हो। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी गाड़ी में बैठ के रवाना हो चुके हैं, दावत वालों के घर जा रहे हैं। माशाल्लाह सब जो है वो पीछे बैठ चुके हैं, चाचू जी और मैं जो है वो आगे, दोनों इकट्ठे गाड़ी चला रहे हैं। गेयर चाचू लगाता है, स्टीयरिंग मैं मोड़ता हूँ। अभी हम जंगल से निकल कर ना अभी बाहर रोड पे आ गए हैं, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो जंगल में है, कि कोई जो है ना वो हमें ढूंढ ही ना सके, इसलिए हम जंगल में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, दावत वाले घर जो है ना वो पहुँच चुके हैं, अभी देखते हैं कि कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, सलाम थी क्या सही? खैर मुबारक से। जबरदस्त जी, वेलकम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तबीयत सी ठीक है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, तबीयत सी ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चाचा जी आपको कहा ना ये इतने दिन नहीं रहते। हाँ जी
कहते वो तो दोनों उधर गए हुए, मैंने कहा वो एक दिन रहेंगे भाई, इधर ही होंगे। हाँ माशाल्लाह जी, माँ बेटियाँ मिल रही हैं इधर, अब्बू और बेटी माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अमीना? ठीक है, खुश तकड़ी राजी पाजी? हाँ जी। अभी जी मैं हो गया हूँ बगैर पूछे किचन के अंदर दाखिल। यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये देखें माशाल्लाह, मेरे ख्याल में अभी बिरयानी बना रही हैं। हाँ जी, बिरयानी भी बनाएंगे और चिकन भी बनाएंगे, रोटी भी। सही हो, सही माशाल्लाह। और अभी दूसरी गुड़िया भी आ गई। हाँ जी, मैं इतना खुश क्या बताऊँ। कैसे हो, कैसे हो? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? हाँ, काम बांट लो आपस में। वो ना भाई, मजबूरी ये है कि आपको तो पता है हमारा गैस का इशू है ना, वो 6 बजे ही आता है। सही। तो इसलिए जो है ना, बस अभी आज 6 बज गए हैं, जाने वाला है, तो मैं एक चीज ये सिस्टम बना लगी, एक मैं बना लूंगी। ये आप ही ऊपर बनाएगी? हाँ, ये आप इधर नीचे। सही, इधर 2 चूल्हे नहीं है? नहीं, इधर एक है, एक जलता है, खराब। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी जो है हम सब यहाँ पे तसल्ली से बैठ चुके हैं, चारपाइयाँ लग चुकी हैं। अम्मी जान ने जो है वो सिस्टर को कपड़े दिए हैं कि आपने सिलाई करने हैं। अभी जी ऊपर वाले पोर्शन पे आए हैं, तो इधर आपी फिजा ने जो है ना वो यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाना शुरू कर दी है, और अब्बास भाई इधर खड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, ये जो है ना इधर ऊपर वाले पोर्शन पे जो है ना ये रहते हैं अपने घर को, माशाल्लाह खूबसूरत बनाया हुआ है इधर भी। ये देखिए माशाल्लाह, सर्दियों की सेटिंग कर रहे थे ना मेरे ख्याल में, अभी इधर अंदर ही सोते हैं फिलहाल, तो इस कमरे में सोते हैं। अच्छा, आज सेटिंग ये की है, ये जो बंद किए हैं। अच्छा, हाँ, इधर भी और इस तरफ से भी ये गत्ते लगाए हैं। हाँ, गत्ते लगाए हैं क्योंकि ये वो नहीं लगी थी ना विंडो अलमारियाँ। सही, चले गुजारा हो जाएगा ना, गुजारा ही करना है आजकल के दौर में। वहाँ पर रुकना है, चलो माशाल्लाह बेहतरीन निजाम हो गया है। आज ना सारा दिन हम यही काम करते हैं। अच्छा अच्छा, सही, कोई नहीं, काम की सेटिंग हो गई है। अच्छा, नहीं वैसे भी दिन को गर्मी थी, रात को जो है ना मौसम काफी चेंज हो गया। हाँ जी बिल्कुल, कुछ इलाकों में तो हमने देखा है कि लोगों ने रजाइयां भी निकाल ली। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे वो तो एसी चलता है ना। चोरी चोरी कॉल ड्रिंक, आप लोग को हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहां से आके उड़ गए ऊपर। हम छुपते थे, हमने आ रहे हैं, आ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक को देख के आ रहे हैं। अभी जी नीचे जो है ना वो हम जा रहे हैं, सब आगे आगे पीछे पीछे। हाँ जी, आप बोतल पीने जा रही हो ना, मेरा गला खराब है, मैंने कहा एक गिलास मैं पी लूं। नहीं, ब्लैक वाली तो आपको पता, मैंने वो दूसरी भी है उनके पास, वो अभी तो ब्लैक वाली ली हुई है ना। वो दूसरी लेके आ रहे हैं, अबू जान ने कहा है ना, वो दोनों मंगवाई हुई थी ना, तो उसने कहा जिसने जो पीनी हो। हाँ जी बस, ये देखें जी मेरा गला खराब है ना, इसलिए आपने 3 गिलास लगा दिए मेरे लिए। जी, मैंने भाई आपको बोला नहीं कि ये जो 3 गिलास मैंने भर के रखे हैं ना, ये आपके लिए हैं। हाँ जी, पहले मेरा सा नहीं निकलता, अग्गू फैंटा फैंटा चल रही है जी इसकी, क्योंकि मेरे लिए जो है ना स्पेशल मंगवा के रखी है। हाँ सही है, और आपके लिए काली काले अल्लाह वाले जी, और फैंटा फैंटा बहुत ही प्यारे लोग पीते हैं माशाल्लाह। और मजे की बात ये है, मैं फैंटा पीती हूँ ना, मेरे बच्चे भी फैंटा पीते हैं, वो वाली नहीं पीते। हाँ। बेबो का पता नहीं है, बेबो से पूछे कहते फिलहाल कोई नहीं इधर है। हाँ। अच्छा चले, मैं अभी कोक 1 गिलास दे दो, मेरे लिए बस काफी है, बाकी बच्चों को भी दे दो, ये सारे बच्चों को ना पूरा एक भी नहीं दे
नहीं बच्चों के लिए और ले लेंगे। अभी जो है ये फैंटा और एक लीटर मंगाई थी वो बच्चों को दूसरी कोक दे देंगे। अच्छा अभी जो ये है अगर ये पूरी हो जाती है ठीक, नहीं तो फिर और मंगवा लेंगे। टेंशन बहुत है, ये बहुत है। मैंने सबको दे दिया, फिर आन इधर आओ। भाई वालों को भी देना है ना। हाँ जी वो रखी है यार, देखो कितनी पड़ी है। हाँ जी बहुत पड़ी है, बहुत है। अच्छी बात है, आगे भी तो खाना है ना। हाँ जी आगे के खाने के लिए हम कौन सा अभी जा रहे हैं, रोटी खाएंगे, रोटी के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक होगी यार, चाय होगी। वो बोलती है कि मेरे भाई का जो रूटीन है पहले बोतल, खाली पेट जैसे आओ ना बोतल, उसके बाद खाना, खाने के बाद फिर चाय, चाय के बाद नहीं, अभी हम चाय नहीं पीते थे, अभी तो हम बोतल पीते हैं। मतलब के खाने के बाद बोतल होगी। हाँ। चलो बोतल नहीं, चाय भी होती है साथ। अच्छा चाय होती है। हाँ भाई अच्छी चीज आप कुछ बता दे इसको। हाँ जी। हाँ आज इसकी जेब से ना सब खर्चा हो रहा है। इंशाल्लाह टेंशन ना ले, बाहर तो रखे सुपा। पहली बार ये सही बात है, पहली बार पहली बार तो मौका मिला तो साफ जाहिर है, कोशिश करें कि जितना निकलता निकाल। इंशाल्लाह जी। हाँ जी सबा, हसन को ना नींद आ गई है, इसको ना आराम से उठा के ना झूला उधर बंधा हुआ है झूले में डाल दो, ये अभी सुकून करेगा, जब हमारा टाइम आएगा सोने का फिर उठ बैठेगा। कोई बात नहीं, खाना तो आप खाएंगे ना सुकून से। नहीं ये खाने से पहले उठ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे उठ जाए, ये भी खा ले कुछ। उधर जी माशाल्लाह झूला जो है ना इधर बंधा हुआ है, पंखा भी चल रहा है। ब्याह सी तबीता सीता किवे गुजारा है, आज कल दे दौर ऐसी गुजारा ही होवे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बोतला ज्यादा पीता करो, चासम दी है ना। माशाल्लाह जी अब ये सो गया है ना तो आप इंशाल्लाह दो चार घंटे सोएगा। इधर जो है ना बेबो जानी सारे बच्चों के साथ बैठ के ना इसने अपनी गेमें शेमे चला दी, सबको दिखा रहा है, सबको बता रहा है। उई आप भी फैंटा पी रही हो? हाँ जी। माशाल्लाह जी घी जो है ना आपका घी आवाजें दे रहा है गुड़िया, वो कहता है मेरे अंदर तो कुछ डालो। हाँ जी मैंने खुद अपने आँखों से, मैंने खुद अपने आँखों से सुना है। आँखों से या कानों से? कानों से तो देखा है ना मैंने। अच्छा हाँ जी डालो इसे। आप क्या अभी बिरयानी बना रही हो ना? आप बिरयानी बना रही हो, ऊपर चिकन बन रहा है, दो रेसिपी हो जाएंगी। और इधर जो है ना ये हमारी खिदमत में पेश कर रहे हैं जी अंगूर, इसको धो के पिया कुछ है। हाँ बहुत कुछ है, टेंशन क्यों लेते हो। और माशाल्लाह इधर सेब भी है और एक और भी है वो टमाटर। वैसे रात के टाइम ना फ्रूट नहीं होने चाहिए क्योंकि रू नहीं दे। आपकी गुड्डी भाभी की फरमाइश है, जो मेरे भाई को अम्मी अभी को पहले ना बोतल देना है, फिर फ्रूट देना है, उसके बाद खाना देना है, फिर चाय देनी है। अच्छा खाना बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं खाना चाहे रात आप पूरी रात वो भाई वो खुद ब खुद जब ये चीजें खा लेंगे हर चीज, फिर खाना तो थोड़ा रू देगा, वो तो ऑटोमेटिकली होना है ना। खाने से ये चीजें महंगी होती है ना, लेकिन भाई वो बात ये है, मैंने इसको बोला कि क्योंकि खाना बनते देर हो जाएगी ना तो पहले फ्रूट दे देंगे, उनको शायद भूख ज्यादा लगी हो, क्या हो जाएगा। वो कल से कॉल की है ना दावत के लिए भाई को बोला, तो उधर उस टाइम से भाई ने कुछ ना खाया हो, गुड़िया से घर के घर जाऊंगा फिर पेट भर के खाना खाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आते हुए भी हमने फैंटा पी के आए हैं और काली भी पी के आए हैं, बस थोड़ा सा खा लेना, उसके बाद है ना खाना भी डांट के खाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे। ये जस्ट हो रहा है ना अभी वी आई पी करके के इधर चावल जो है ना वो भिगो के रख दिए है, ये सब धो के देंगे ना ऐसे थोड़ी, ये यार इधर उधर रखो यार, इतनी बड़ा किचन है फिर भी सामान जो है वो नहीं बैठ। ये ना छोटे किचन होते हैं ना, बाहर खुला किचन हो ना उसका मजा होता है, कमरे में होता है बड़ा किचन। आप देखने वाले मार का अनार भी है वे वीआईपी अनार, सब अनार है नी रत्ते बीचो रत्ते निकल देना। नहीं रस भी होते हैं और चिट्टे भी होते हैं। अरे तू दसा रत्ते होना, इसमें लाल है, रेड कलर के हैं। अच्छा तू अपनी बुनाई का। हाँ
मसाला है। अनार जो है वो गुड़िया के सामने ना रखो, मिसाला जल जाएगा। खाने के लिए करी है क्या? वो अनार को देखती रहती है ना, अनार इसको खाने में अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा लगता है। अच्छा। अभी अभी चिकन देखे यार तेरी इतनी मतलब थोड़े थोड़े ये ना इतनी समझ लो काफी है बस। चलो वे इसको तो फिर निकाल लो, जो काटा हुआ है इसको काट लो, बाकी रख दो, छोटे छोटे बच्चे खाएंगे ना मजा आएगा। चलो फिर हाँ, जो चीज भी काटो ना पहले पूछते जाओ यार, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कोई चीज जाया ना हो, तो ना हो जो इतना फिर वो लेके रखी है उसका क्या होगा। वो यार ना बच्चे ना खाए तो फिर अच्छा, बताना मजे की बात, कल भी हमने यही चीजें बहुत सारी मैंने लेकर आया था, वो मिसबा की तबीयत खराब थी तो इसलिए वो राज के खाए, आज अम्मी वाले वापस आए तो वो लेकर आए, बहुत होगी। हाँ जी, हमारे घर तो ऑलरेडी पड़े रहते हैं क्योंकि मेहमान आते जाते रहते हैं ना अभी, तो ये चीजें तो हम एडवांस ये मंगवा के ना हमारी फ्रिज अभी भरी हुई है। मेरा चक्कर नहीं लगा ये ना, अभी माशाल्लाह साथ साथ में देख रही है कि किस तरीके से जो है ना गुड़िया बना रही है। इंतजार किए कि आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन आप लोगों ने तो आने का नाम। फिर इनके ना गिफ्ट भी हमने वो फिजा आबास वालों को दे दिए, हमने कहा मैंने बताया क्या कहा, मैंने कहा मैं इनको नहीं देती, मैं वो खुद आएंगे। सिस्टर बता रही थी कि आपके गिफ्ट ना नहीं दे रहे थे, मैंने कहा अपनी मजबूरी भी बता दो कि किस लिए नहीं गई थी, वो मजबूरी भी बता दो। मजबूरी ये थी भाई, उस दिन ना मैं 3 सूट सिलाई करके देने थे शाम को। अच्छा हाँ, तो ये मजबूरी थी, तो मैंने सोचा आप लोग जा रहे हो तो मेरे भाई को और सबको मेरे लिए सॉरी कहना, उनको कहना नाराज नहीं होना, जब मैं फ्री होंगी ना इंशाल्लाह भाग के आ जाऊंगी आप लोगों के पास। सही है। और कह रहे थे जो हमारे घर मेहमान आते थे फिर वो आपके घर से होके घर जाते थे। नहीं भाई मैं बता दूं, आप लोगों को घर में तो एक एक दो दो होके आते थे ना, हमारे घर में तो माशाल्लाह सब इकट्ठे होके आ जाते थे। माशाल्लाह उनका मसला ये था भाभी के, वो ना वो कहते थे कि उधर सब घूम फिर लेते थे ना, तो एक घर की तैयारी करता था, सब कहते थे हाँ चलो इकट्ठे ही चलते हैं। हाँ, फिर एक हाँ, क्या फिर सब उधर आ जाते थे हमारे घर, रात ही थे उन्होंने गुजारी और सुबह सब साथ चले गए। देखो पीछे तो मिर्चा देखो दमरी तो मोली दे रही थी ना। क्या कहने गुट खड़ी। हाँ जी। मैं आवाज सुनी है तो मैं बुला आया पीछे जा, मैं वो भाई कर रहे थे ना उधर से, सिस्टर जो है ना वो रोटी बना रही थी, मैंने कहा मुझे तो मैं जल्दी से जो है ना काम करवा देती। माशाल्लाह ये क्या वो बिरयानी रेडी हो गई? दम लगा हुआ है या बगैर दम के? उधर चिकन भी रेडी हो गया होगा बस। चले ये तो जल्दी जल्दी हो गया यार, मैं साथ हूं ना इसके, जल्दी करा रहा हूं और कुछ बचा कुचा सब कर रही है। काश आप ना होते ना तो मेरा यकीन करो अभी हम खा के घर जा रहे होते। मैं समझा मेरी तारीफ करेगा, उल्टी बात हो गई, क्योंकि बातें ज्यादा और काम कम करते हो छोटू। इतना काम किया है मैंने। चले रोटी अभी इंशाल्लाह तैयार होती है जी, जब खाने वगैरह दस्तरखान पे लगाएंगे ना फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ओके और कोई काम है तो इसको बता दो। हाँ जी, उधर तो माशाल्लाह बिरयानी भी रेडी हो गई, रोटी भी, और आपको हमने चिकन दिया था वो बन गया? चिकन रेडी है ऑलरेडी, अभी अभी रेडी हुआ है। अच्छा हो गया रेडी? अच्छा जी, चलें जी देखते हैं किचन इनका कैसे रेडी हुआ। दम तो नहीं लगा हुआ? नहीं, चिकन को कौन सा दम लगता है?
माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त रेडी हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं, गुड वर्क जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी। पाव गया सालन? हाँ पाव गया। ठीक है, अब इसको ढार को दूर कहीं पता ले ले यहाँ से। अच्छा पके नहीं खानी? हाँ जी। बस कह रहा हम इतनी नहीं खाएंगे। नहीं, उसकी अपनी फैमिली तो है ना, आज उनका भूख है नहीं मारना। सही है, में जो है ना खाने का उन्होंने यहाँ पे सिस्टम लगाना है, चटाइयाँ जैसे बिछी हुई हैं यहाँ पे, ऊपर खाने लगाएंगे, यहाँ साइडों में जो है ना हम बैठेंगे, और जो है ना फिर इंशाल्लाह पंखा चल रहा है वीआईपी, मज़ा आएगा खाने में। बेबो भूख लगी है जी। ये क्या खा रहे हो? ये वो अनार। अनार, हाँ चलो खाओ खाओ। अभी जो है ना फिर रोटी पकाना सबा ने शुरू कर दी, माशाल्लाह अच्छी बात है, गुड न्यूज है। पंजाब में आती हूँ, इस किचन में खुद बनाती हूँ। भाभी को ना ये किचन बहुत पसंद है, जब भी आते है ना रोटी खुद बनाती है। हाँ जी, और जब भी इस किचन से घर जाती है ना फिर अच्छा मूड नहीं देती है। नहीं कभी ऐसा किया या किचन का नाम जी, जडन भी आप कोई अच्छी चीज देख लो ना, तेरे ढेर दर्द पै रहे, मेरा भी यो जा किचन होवे, मेरा भी यो जा विषय होवे। नहीं आपने मुझे कहा था ना एक दफा कि हम जब मतलब कि हमारे पास पैसे आएंगे, फिर हमारी बड़ी फैमिली होगी, फिर हम एक कमरे में शिफ्ट कर लेंगे, तो मैं उस बात पे कायम हूँ। मैं भी कायम हूँ, ना बड़ी फैमिली थी सी ना किचन बड़ सी। आप जो है ना बूढ़े नहीं हुए अभी, बड़ी फैमिली हो जाएगी इधर जो है ना, माशाल्लाह काबली पुलाओ, वाह बोटियां भी हैं, चावले जो धू निकलता पे, भात पकाई क्या? हां जी भाई, ये भात नहीं पकती है, फ्रिज में कहीं ध्यान से ले जाए। माशाल्लाह जी, इस रूम में जो है ना खाना लग चुका है जी, डोंगे भर भर के आ चुके हैं, सलादें भी अब तरतीब से लगा रहे हैं अल्ताफ भाई। बेबो बैठो, बेबो बैठो। हाँ जी, मैंने कहा रेडी कर लूँ उसके बाद फिर आप लोगों को बुलाऊंगा ना। सही है भाई, हम तो बिन बुलाए आ जाते हैं ना, हमारा तो काम है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, कौन क्या कर रहा है, कैसे सेटिंग हो रही है, ये तो हम लाइव दिखाते हैं ना। हाँ जी, ऐसे दिखाते भी जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बैठते जाएंगे। हाँ जी, बाकी जो हमारे बुजुर्ग दीन हैं वो इंशाल्लाह फिर उनको बुलाएंगे बाद में, उनको बुलाएंगे। हाँ जी, जब सारा कुछ हमारा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, वो आके फिर इंशाल्लाह, बस आके इंशाल्लाह देखेंगे, दुआ फरमाएंगे, उसके बाद फिर खाना शुरू इंशाल्लाह तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है ना वो लग चुका है, और सबा और बेबो जो है वो बैठ चुके हैं, तो अभी जो है ना इंशाल्लाह खाना शुरू करेंगे, तो अभी बुला लें। हाँ ये सेटिंग हो चुकी है। हाँ जी सेटिंग मुकम्मल है, सिर्फ एक चीज़ रहती है, मैं वो रख लूँ, फिर बुजुर्गों को बुलाते हैं। चलें जी अभी जो है ना इंशाल्लाह खाना खाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों अभी जो है ना हम यहाँ से ले रहे हैं इजाज़त, ठीक है जी। इजाज़त कहाँ ले रहे हैं, वो खाना तो खा लो। खाना मतलब अभी खाना शुरू करेंगे ना, फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे ना। अच्छा वीडियो की इजाज़त ले रहे हैं। हाँ तो वीडियो जो है ना यहाँ पे अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ। तो आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए हमारे लिए, और तेरा ना आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया माशाल्लाह, आपने भी चिकन कढ़ाई बनाई है, तो आपका शुक्रिया, फ्रूट श्रूट काटे हैं पूरी। शुक्रिया तो आपका, जो आप जाना इधर हमारे घर में तशरीफ ले आई, हमें बहुत खुशी हुई, आज हम बहुत खुश हैं। हाँ जी, तो चलें जी आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम ये खाना जो है वो सारा नबेड़ लें, तो जिसने भी खाना है आके खा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई बाय बाय जी।